यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो इसी बीच बड़ी खबर यमुनानगर से है, जहां पर 100 करोड़ से यमुना किनारे पिकनिक स्पॉट बनाने की योजना बनाई जा रही है। नगर निगम मीटिंग में पार्षदों की मीटिंग की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि सदन में पारित होने के बाद योजना को राज्य सरकार को भेजा जाएगा, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर सांसद समेत विधायकों का समर्थन इस योजना को लेकर लिया जाएगा। तो ये योजना बनाई जा रही है और इसे सदन में पारित होने के बाद योजना को राज्य सरकार को भी भेजा जाएगा, जिसके बाद सभी लोगों का समर्थन लिया जाएगा, विधानसभा स्पीकर सांसद समेत सभी विधायकों का समर्थन लिया जाएगा, जिसके बाद इस योजना को अगले स्तर पर ले जाया जाएगा। 100 करोड़ से यमुना किनारे पिकनिक स्पॉट बनाने की ये योजना है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। पवन शारदा हमारे संवाददाता यमुनानगर से फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। पवन शारदा, इस योजना को लेकर, ये जो पिकनिक स्पॉट बनाने की योजना है यमुनानगर में, इसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी, इसके बारे में जो मेयर हैं हमारी सरोज बालाजी, उन्होंने मतलब इसके इस पर विचार किया और आगे चर्चा किया, लेकिन अधिकारियों से अभी बात हुई है। वो कह रहे हैं कि ऐसा है कि अभी आज तो हमारा जो है बजट पर मीटिंग रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट में भी बात करेंगे इस पे। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन शारदा जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो विधानसभा स्पीकर सांसदों समेत सभी का समर्थन लिया जाएगा, जिसके बाद इस योजना को अगले स्तर पर पहुंचाया जाएगा। रुक करेंगे झज्जर का, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर है, सर्व कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। धरना प्रदर्शन उनकी ओर से किया जा रहा है, लघु सचिवालय पर प्रदर्शन उनकी ओर से किया जाएगा। सर्व कर्मचारियों का ये प्रदर्शन है जो लगातार उनकी ओर से किया जा रहा है, और लघु सचिवालय पर भी प्रदर्शन अब उनकी ओर से किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं झज्जर से, जहां पर सर्व कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और लघु सचिवालय पर भी प्रदर्शन अब उनकी ओर से किया जाएगा। तो लघु सचिवालय पर प्रदर्शन उनकी ओर से अब किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। झज्जर से हमारे संवाददाता सुमित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमित, इस खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी शीलम, आपको बता दें कि झज्जर के लघु सचिवालय पर सौ कर्मचारी का आज धरना प्रदर्शन होगा और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ये प्रदर्शन करेंगे। जी, सरकार विरोधी कर्मचारी के लगाए गए नारे, और आपको बता दें कि झज्जर में इससे पहले कई विभागों के कर्मचारी कर चुके हैं धरना प्रदर्शन, और आज 11:30 बजे झज्जर के लघु सचिवालय परिसर में इकट्ठा होकर जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम एक सौंपेंगे, जिसमें कि इनकी मुख्य मांग है नई पेंशन को बंद किया जाए और पुरानी लागू किया जाए और कर्मचारी को पक्का किया जाए। जब तक सरकार कर्मचारियों को पक्का नहीं करती, न्यूनतम वेतन 18,000 लागू और मेडिकल सुविधा दी जाए। जी, अगर सरकार फिर भी मांगों को पूरा नहीं करती है तो एक आंदोलन की घोषणा ये करने जा रहे हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित कुमार तमाम जानकारी देने के लिए। तो लघु सचिवालय पर प्रदर्शन अब उनकी ओर से किया जाएगा।